नजर आ रहा है कि वो पूरा नहीं होगा, वो इसलिए कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचने हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूं उनका बेचारे उधर जो है जो पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। तो खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। तो हम घिराव जलाओ का सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, झूठ की सियासत, वो कौमें को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आपका अना इस हद तक पहुंच जाता है, आपका जिद इस हद तक पहुंचता है कि एक तिहाई आपका मुल्क डूबा हुआ हो और उस वक्त भी आपका जिद उन लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखता हो, तो मैं समझता हूं कि इट डिस्क्वालिफाइज यू फ्रॉम बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मैं तो समझता हूँ कि ये किस्मत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से का फैसला था कि हमने इस सैलाब आने से पहले उस नालायक ना अहल वज़ीर आज़म को निकालना था। हमारा खुद कुछ किस्मत ही है कि हम इस मौके में थे, बस इट हैपेंस ऐसे ऐसे सिलसिला ऐसे चला कि जब ये सैलाब आया और मैं खुद एक मुतासिर इलाका से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं साथ साथ मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, ताकि मैं फिर नुमाइंदगी कर सका। इसने तो जितना वज़ीर आज़म होता भी हमने देखा, जब बीच में 2020 में भी मानसूनस आए थे, एक दफ़ा भी पहुँचा नहीं। मीरपुर ख़ास का हालात क्या है बतौर वज़ीर आज़म? तो इस तौर पे मेरे ख्याल में कि ये भी अच्छी बात थी, ज़िद का उसका अली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए पार्लियामेंट में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी।